हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। मैंने अभी अभी एक फिल्म का ट्रेलर देखा। ये नेटफ्लिक्स की फिल्म है और 15 जनवरी से ये रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर। ऑफ कोर्स नाम है इस फिल्म का त्रिभंगा, टेढ़ी मेढ़ी क्रेजी, इस तरह का नाम है इसका। और इसे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर रेणुका शाणे जी ने डायरेक्ट किया है। मतलब उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग की है, लेकिन एज ए डायरेक्टर, एज ए निर्देशक ये इनकी पहली फिल्म है। फिल्म फैमिली ड्रामा है और साथ में एक सोशल मुद्दे पे भी वो बात करती है। अगर एक्टर्स में इसमें बताऊं तो काजोल, मिथिला पालकर, तन्वी आजमी, कुणाल कपूर, कुणाल रॉय कपूर जो है, वैभव तत्ववादी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। ये जो फिल्म है, मतलब त्रिभंगा ये जो कैरेक्टर प्ले किया है, ये मतलब ये दूसरा नाम हम कह सकते हैं, ये काजोल का नाम है त्रिभंगा। तो त्रिभंगा क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्टोरी है ये तीन पीढ़ियों के बारे में है। तीन पीढ़ियां मतलब पहली पीढ़ी तन्वी आजमी, और इनका नाम है, कैरेक्टर का नाम है नैनापटे, जो एक लेखक है, उनकी बेटी काजोल, और उन्होंने रोल प्ले किया है, कैरेक्टर प्ले किया है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का, नाम है अनुराधा आपटे, अनु आपटे, जो सक्सेसफुल लगती है। और काजोल की बेटी मतलब अनुराधा आपटे की बेटी माशा, ये माशा का रोल प्ले किया है मिथिला पालकर ने। ऐसी ये तीन जनरेशन्स हैं और एक फैमिली ड्रामा है। तो अपनी अपनी माओं को तरफ देखने का जो नज़रिया है हर एक जनरेशन का, वो अलग है। शुरुआत मिथिला पालकर से करते हैं। मिथिला पालकर के लिए काजोल मतलब अनु आपटे जो है वो एक शेरनी है, टाइग्रेस है, कि जब भी उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी मिथिला पालकर को, माशा को, तब काजोल वहाँ पर पहुँचेगी और प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन यही बात काजोल अपनी माँ के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ कन्फ्लिक्ट है माँ और बेटी में, तन्वी आजमी में मतलब नैना आपटे में और अनुराधा आपटे में। और शायद ये जो नैना आपटे हैं, जो लेखिका है, वो शायद अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख रही है, और जो काम शायद कर रहा है ये कुणाल कपूर कर रहा है, वो धीरे धीरे स्टोरीज निकाल रहा है और हर एक का ओपिनियन वो ले रहा है, फैमिली मेम्बर का, मतलब वो काजोल का भी ओपिनियन लेता है माँ के बारे में। तो काजोल ने डिफाइन किया है हर एक नाम देकर कि जो तन्वी आजमी है, नैना आपटे, वो अभंगा है, माशा मतलब उनकी बेटी, काजोल की बेटी जो है समभंगा है, और वो खुद त्रिभंगा है। उनके हिसाब से, उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से ये तीनों को उन्होंने नाम दिए हैं। नैना आपटे इज अभंगा, उनकी खुद की बेटी समभंगा, और वो खुद त्रिभंगा। अब ये इस तरह से उन्होंने कैरेक्टर के नाम दिए हैं, लेकिन उनका जो अपनी माँ को देखने का जो नज़रिया है ये बहुत अलग है। उनकी और हम उनके माँ की ज़्यादा बनती नहीं है। एक सीन में हम देख सकते हैं कि वो अपने ही माँ को धक्के निकाल कर घर से निकालती हैं और ये बोलती है कि इस तरह से माँ नहीं होती। मराठी में डायलॉग है वो, कि माँ इस तरह से नहीं होती है। वजह ये है कि उन्हें बचपन में जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, उनकी माँ से जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, वो उन्हें नहीं मिली है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में हम देख सकते हैं कि दिस फिल्म इज़ अबाउट चाइल्ड अब्यूज़। अब ये चाइल्ड अब्यूज़ जो है, ये क्लियर नहीं किया है उन्होंने कि ये किस प्रकार का अब्यूज़ है। ये फिजिकल मतलब मारा पीटा गया है बच्चे को, या इमोशनल अब्यूज़ है मतलब इमोशनली टॉर्चर किया है बच्चे को, या फिर सेक्शुअल अब्यूज़ है, ये क्लियर नहीं किया है। तो ये बचपन में शायद अनुराधा आपटे मतलब जो रोल काजोल ने प्ले किया है उसके साथ ये बचपन में अब्यूज़ हुआ है, और ये फैमिली मेंबर ने ही किसे अब्यूज़ किया है। अब ये फैमिली मेंबर कौन है ये क्लियर नहीं किया है, ये हमें फिल्म में ही देखना पड़ेगा। तो जब ये अब्यूज़ हो रहा था, जब वो छोटी थी, तो जो प्रोटेक्शन एक माँ का होना चाहिए, माँ ने जो प्रोटेक्शन उसे देना चाहिए, वो प्रोटेक्शन उसे नहीं मिला है। एंड दैट इज़ वाई शी हेट्स हर मदर, मतलब अनु आपटे अपनी ही माँ को हेट करती है, नफरत है, मतलब बनती नहीं उनकी। जिस तरह से वो धक्के निकाल कर बाहर निकालती है अपनी माँ को, उससे हमें पता चलता है। और ये जब रियलाइज़ होता है तन्वी आजमी को, नैना आपटे को, तो उसकी भी क्या मजबूरी थी कि क्यों वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर पाई अपनी ही बेटी को बचपन में। तो ये एक रियलाइजेशन है, हर एक चीज़ को रियलाइज़ होना कि उनकी जनरेशन किस तरह से थी, ये उसकी अपनी अब की जनरेशन जो है काजोल की, वो किस तरह से, या आने वाली जनरेशन किस तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी इस तरह से। ये पूरी फिल्म है, जो सोशल मुद्दा है ये चाइल्ड अब्यूज़ का सोशल मुद्दा है, और किस तरह से इसको एक फैमिली में, मतलब दिखने में जिस तरह से फैमिली सुपरफिशियली दिखती है, लेकिन उनमें गहरे राज होते हैं, रिलेशन में कन्फ्लिक्ट होता है, ये सब धीरे धीरे हमें पर्दे पे देखने को मिलेगा। और स्टोरी लाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और ख़ास करके इसमें जो एक्टर्स हैं ये बहुत पावरफुल एक्टर्स हैं,
काजोल, तन्वी आजमी, और वैसे भी काजोल और तन्वी आजमी ने इससे पहले एक फिल्म में काम किया था, अगर आपको याद है, दुश्मन नाम की फिल्म आई थी, काजोल का डबल रोल था, और उस फिल्म में भी तन्वी आजमी ने माँ का ही रोल प्ले किया था काजोल के, और इस फिल्म में भी माँ का ही रोल प्ले किया है तन्वी आजमी ने काजोल के। तो ये आप कोइंसिडेंस मान सकते हो, बट दे हैड वर्क्ड और इन देयर प्रीवियस फिल्म, तो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। तो स्टोरी लाइन तो मुझे प्रॉमिसिंग लगी, और जैसे मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट चाइल्ड अब्यूज़, जो एक सोशल मुद्दा है। ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है, आपने नहीं देखा हो तो ट्रेलर देख लीजिए, और आपकी क्या राय है ट्रेलर के बारे में ये भी मुझे बताइए कमेंट्स में। फिल्म जब आएगी 15 जनवरी को तो हम इसका रिव्यू भी करेंगे। फिलहाल मैं यहीं पर रुकता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।